कि द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। यहाँ पे आप लोग शायद कम दिख रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो करेक्ट एक्टिव वॉइस में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी द पोस्टमैन हैज़ बीन डिलीवर्ड द लेटर। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड, हिज वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ये जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको इसका एक्टिव चुनना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी अगर हम लोग किसी भी क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस हो या फिर पैसिव वॉइस हो, अगर उसको हम पैसिव को एक्टिव बदलेंगे या फिर एक्टिव को पैसिव बदलेंगे, तो उसका जो टेंस का जो होता है वो टेंस कभी चेंज नहीं होता। अगर वो प्रेजेंट में तो हमेशा उसका एक्टिव प्रेजेंट में बनेगा, अगर वो क्या कहते हैं फ्यूचर में तो फ्यूचर में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कहता है क्या कि हिज वर्क हैड बीन फिनिश, यानी हैड बीन दिखाता है ये जो है किसमें बनेगा, ये हैड दिखाता है कि पास्ट बनेगा। इसका मतलब जो ये एक्टिव जो बनेगा ये भी क्या बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो देखेंगे पास्ट में कौन सा है, ये देखिए विल है, ये मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, विल तो होगा नहीं। मे है, ये तो मतलब टेंस से बाहर ही हो गया। कैन है, ये भी टेंस से बाहर हो गया। बचा बी नंबर, यानी ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का, देख पा रहे होंगे। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यानी यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है जो करेक्ट स्पेल के साथ है। देख पाऊंगे एच ए एम एम ई आर हैमर है, एच ई एम ए आर है, और एच ई एम एम ए आर है, या फिर एच ए एम एम ए आर, कौन सा वर्ड जो है राइट है। तो थ्री का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो थ्री का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हैमर एच ए एम एम ई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का, देख पाऊंगे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज पुट ऑफ, ये जो फ्रेज पुट ऑफ है इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश में, आप लोग को चुनना है। चार ऑप्शन जैसे देख पा रहे ए एस एस यू एम अज्यूम है, उसके बाद पोस्टपोन है, उसके बाद क्या कहते हैं डिटरमाइन है, और क्या कहते हैं सर्च है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पोस्टपोन, पी ओ एस टी पोस्ट पी ओ एन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर देख पा रहे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू ड्राइव होम, ये जो टू ड्राइव होम इसको भी फ्रेज आपको चुनना है। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा फ्रेज जो सूटेबल होगा इसका मतलब के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे फाइव का ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे, चार ऑप्शन दिए हुए, तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी टू इम्फासाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या करा है, सिक्स करा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू हिंट टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। यहाँ पे भी दिया हुआ फ्रेज, इतना लंबा फ्रेज है, इसका मतलब क्या होगा, आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो छः का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कराया कि टॉम प्ले हॉकी, ये टॉम प्ले हॉकी, और अगला सेंटेंस है ही प्ले क्रिकेट। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे जो है दो सेंटेंस दिया आपके सामने में, देख पा एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इन दोनों का कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है जो सूटेबल होगा दोनों को जोड़ने के बाद, सही मीनिंग इस मतलब इस दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ने पर एक अच्छा सूटेबल कौन सा सेंटेंस होगा आप लोग को चुनना है। कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन की यहाँ पे बात करेंगे तो इन दोनों सेंटेंस का कम्बिनेशन राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, यानी टॉम प्लेज हॉकी एज वेल एज क्रिकेट, यानी टॉम क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है और साथ में क्रिकेट भी खेलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉम प्लेज हॉकी ही प्लेज क्रिकेट, मतलब ये इसका मतलब सेम हुआ कि टॉम जो है क्रिकेट खेल हॉकी खेलता है, फिर क्या कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट, मतलब वो है क्या कहते हैं क्रिकेट भी खेलता है। तो यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं साथ में एक सेंटेंस में कि टॉम प्लेज हॉकी, यानी टॉम क्रिकेट खेलता है एज वेल एज क्रिकेट, यानी साथ साथ क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट करा, क्वेश्चन नंबर एट क्या करें देख पाएंगे, इज देयर लाइफ ऑन अदर ऑन अदर प्लानट्स वी डू नॉट नो एज येट। यहाँ पे भी दो सेंटेंस दिए हुए, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चुनना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वी डू नॉट नो एज येट वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लानट्स अदर प्लानट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर नाइन का देख पा रहे कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश डैश उसके बाद हिज सक्सेस। आप यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बोलता है, कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन है, विद है, एट है और फोर है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन कराया, हु मेक्स ए नॉइज। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे जो है ये आपको एक्टिव में दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे कि आप लोग पहले बताया मैं कि ये सबसे पहले हम एक्टिव या किसी भी पैसिव वॉइस को या फिर एक्टिव वॉइस को अगर हम लोग उसको
उल्टा बनाएंगे, एक्टिव को पैसिव बनाएंगे या फिर पैसिव को एक्टिव बनाएंगे, तो टेंस जो कभी चेंज नहीं होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा टेंस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैक्स दिखा रहा है, यानी ये जो है प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस का कौन सा पास्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब कौन सा फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। तो इसका जो हमेशा बनेगा तो ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और कौन सा फॉर्म में बनेगा वो आगे हम लोग देख लेंगे इसके मतलब ऑप्शन के मुताबिक। तो यहाँ पे बाय होम क्या कहते हैं, बाय होम इज ए नॉइस मेड, यानी इज दिखाते ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। अब आगे देखते हैं और कोई है, तो बाय देखिए पास्ट में ये खत्म हो गया, बाय होम ए नॉइस इज मेड ये क्या कहते हैं एक प्रेजेंट में, यहाँ पे दो है और ये यहाँ पे क्या है ये भी प्रेजेंट में है, तो एक तो खत्म हो गया। अब बचा यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे तीन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाय होम इज ए नॉइज। जब भी अगर कोई भी टेंस अगर इंडिफिनिट में रहे तो उसके साथ हम सिर्फ प्रेजेंट में रहे और इंडिफिनिट रहे तो उसके साथ हमेशा इज लगा देंगे और बाकी किसी भी चीज़ को लगाना नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहे तब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के समय हम वहाँ पर आईएनजी लगाएंगे, यानी सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहे तो वहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि ब्रेक इनटू, ये जो है आपको चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, यहाँ पे दिया हुआ जो फ्रेज है इसका सही मीनिंग क्या होगा ब्रेक इनटू का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी पूछा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो 11 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इंटर बाय फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करा, चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे जो कौन सा वर्ड है जो सही मतलब स्पेलिंग के साथ वर्ड है तो आप लोग को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो चार ऑप्शन देख पा रहे, तो 12 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी ओ एन जी आर ए टी यू एल ए टी आई ओ एन, कॉन्ग्रेचुलेसन जो है ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मतलब ये स्पेल के साथ ये वाला वर्ड सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आई मिस्ड द बस, आई वॉज लेट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, ऑफ सेंटेंस यानी इस सेंटेंस का आपको कॉम्बिनेशन के बाद सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आई मिस द बस, यानी मैं बस को मिस कर दिया, आई वॉज लेट क्योंकि मैं लेट था। तो इसके लिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि इसका मतलब एक सेंटेंस है इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, चार ऑप्शन से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट, मतलब मैंने बस को मिस कर दिया क्योंकि मैं लेट था। मतलब इस सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस को हम इस तरह करके लगा सकते हैं एक साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई क्वेश्चन नंबर 4 करा देख पा रहे होंगे, आई डैश डैश सीन हिज दिस वन, सॉरी आई डैश डैश सीन हिज दिस वीक। अब यहाँ पे क्या होगा, आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, हैव है, हैड है, वाज है और मस्ट है, चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी है। यहाँ पे सीन जो दिखाता है ये दिखाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हम जो लगाते हैं क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैड लगाते हैं, ये वाले फॉर्म लगाते हैं। तो इससे पहले आप देखेंगे हम यहाँ पे हैव एक ऑप्शन है और एक हैड भी है, तो हैड जो है ये कौन सा फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, और हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म है, और हैज भी होता है जो वो भी क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, लेकिन हैज तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे हैव है तो हैव यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिस वीक बोल रहा है यानी इस हफ्ता, तो इस हफ्ता मतलब ये प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पे हम लोग हैव लगाएंगे। अगर यहाँ पूछता कि नेक्स्ट क्या कहते हैं अगले पिछले मतलब लास्ट बोलता है लास्ट वीक, तो लास्ट वीक के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे हैड लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ से आप लोग को सेंटेंस से देखना है, अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट रहता है नेक्स्ट वीक और आपके सामने कहीं पे क्या कहते हैं विल हैव देता तो वहाँ पे आपका विल हैव रहता क्योंकि नेक्स्ट वो फ्यूचर में होता, तो इसलिए हम वहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आप लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 का देख पा रहे, मेन सिंगल डैश डैश प्रेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख पा रहे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वाज, ये किसमें पैसिव में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन सिंगल वाज प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इट इज डैश डैश ग्लास सो इट कैन बी ब्रोकन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आर्टिकल चुनना है। तो देख पा रहे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहा हूँ, क्या कह रहा है कि इफ़ यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द फैन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं फ़ैन को क्या कहते हैं बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी इस तरह की बात कहा जाए किसी को तो उसके लिए हम पहले वुड का इस्तेमाल कहेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द फैन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का अगर देख पा रहे होंगे, दिस न्यूज इज ए डेजर्ट टू माई टेंडर हार्ट।
अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, स्माइल है, उसके बाद मेटाफोर है, उसके बाद बैथोज है, और क्या कहते हैं क्लाइमैक्स है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्माइल है, सॉरी हम स्माइल बोलते हैं, स्माइल है, SIMI यानी स्माइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आकर देख पा रहे, आप यहाँ जो है एक बुक पर्सन से आ गया, आपका किताब से आया क्वेश्चन सब है, फोर ऑफ डैश है उसके बाद वैन ऑन माई कॉच आई लाई इज टेकन फ्रॉम, ये जो सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया देख पाऊँगे, डेफोडिल्स है, उसके बाद इको है, और द सोल्जर है, और इफ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देगा, यानी द डेफोडिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करा कि वाल्टर डेलामेयर क्या कहते हैं हैड रिटन द पोएम, आप यहाँ पे वाल्टर डेलामेयर का कौन सा पोएम लिखा गया है, चार ऑप्शन देख पा रहे, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देगा यानी इको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करा यू विल बी ए मैन माई सन इज टेकन फ्रॉम, ये जो है ये विल बी ए मैन माई सन, ये जो है कहाँ से लिया गया है, चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, इको है, एवरीवन सेंग है, उसके बाद डैफोडिल है, और इफ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी इफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे तो क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स बिकॉज दे आर, अब यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बिकॉज दे आर इसके सामने आपको लगाना है ऑप्शन, तो चार ऑप्शन देख पा रहे, तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं नेमोरियस, क्या हो जाएगा नेमोरियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करा कि इन वाट वेज डज द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू इंग्लैंड, आप यहाँ पे देखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बोथ मेंटली एंड फिजिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करा है डैश डैश द सिंगिंग विल नेवर बी डन इज टेकन फ्रॉम, ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, आप यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे हैं 24 का, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एवरीवन संग इज सिंगिंग विल नेवर बी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं देख पा रहे, हु इज द फेमस थिंकर एंड राइटर ऑफ मॉडर्न लाइन्स, अब यहाँ पे कौन जो है यहाँ पे थिंकर है, फेमस थिंकर जो क्या कहते हैं मॉडर्न लाइन के बारे में लिखते हैं। चलिए आगे चार ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी CM जोड, हु इज थिंकर फेमस जो क्या हो जाएगा CM जोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का देख पा रहे होंगे द फोटोग्राफर मेड हिम टू वेट फॉर, आप यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो चार ऑप्शन में क्या राइट ऑप्शन होगा, तो फोटोग्राफर ने क्या बोल रहा है कि द फोटोग्राफर मेड हिम टू वेट, यानी कितने के समय के लिए उसको वेट करने के लिए बोला था, तो 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 का ए हो जाएगा, यानी 1 आवर्स, क्या जाएगा 1 आवर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 का देख पा रहे होंगे गुड मैनर कम फ्रॉम हैविंग डिस्कशंस विद अदर, आप यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिंपैथी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 का देख पा रहे होंगे, 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डैफोडिल कैन बी कॉल्ड, आप चार ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो चार ऑप्शन में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखा ऑप्शन नंबर ए यानी नेचर पोएम। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का देख पा रहे होंगे वेयर वाज वाल्टर डेलामेयर बॉर्न, यानी वाल्टर डेलामेयर क्या कहते हैं वाल्टर डेलामेयर जो है कहाँ पैदा हुए थे, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो 29 का ऑप्शन की बात करें क्या होगा, 29 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैंट, क्या हो जाएगा कैंट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि रडियार्ड किपलिंग वाज बॉर्न इन, यहाँ पे कहाँ पे पैदा मतलब किस मतलब कौन से वर्ष में पैदा हुए थे देख पा रहे होंगे, चार ऑप्शन देगा आपके सामने में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करने क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1865। तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए। चलिए आपने आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।